the earth. And you should be happy because only the earth is a planet that having a blanket. And that blanket's name is atmosphere. Atmosphere एक ऐसा blanket है जिसे वो पूरे earth के आसपास है और वो हमें सूरज की जो rays होते हैं, जो उसकी रोशनी होती है, उसमें जो chemicals होते हैं, means उसके लिए जो harmful, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, जो हमारे लिए harmful होते हैं, उसको और atmosphere निकाल कर हमारे अंदर मतलब हमारे earth में भेजते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ तो earth में 71% water है, उसमें से 3% महासागर इन सब में है, oceans, ponds और lakes में है, और उसमें से बस 1% हमें पीने के लिए है। इसलिए कहते हैं save water, save earth, because अगर earth पे हम इंसान नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड trees को तो मिलेगा ही नहीं, और earth trees और water के लिए ही जाना जाता है, तो इसलिए अगर tree नहीं होगा तो earth भी नहीं। और आप सब सोच रहे होंगे कि अगर 71% वाटर है और अर्थ पूरा गोल घूमता है तब तो जो उसका वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं गिरता? किसी को इसका आंसर नहीं पता होगा। अगर मैं बताऊं तो अगर इसका सही आंसर ये है कि इसलिए नहीं वो नहीं गिरता है क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी है। ग्रेविटी मतलब कि जो चीज़ों को नीचे खींचती है। अब मैं स्टिक को ऊपर देखती हूँ, ये वापस नीचे क्यों आया? क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी है। अब आप देखिए, फिर से मैं करती हूँ, ये नीचे आया, ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि इस अर्थ में जो है ग्राउंड में ग्रेविटी होती है, तो इसलिए अर्थ के जो वाटर होते हैं वो नहीं गिरते हैं। एंड एनीबडी हैव नो क्वेश्चन? तो आज की क्लास साइंस की यही खत्म होती है। कल कीवर्ड्स और पॉइंट्स टू रिमेम्बर कल ही लिखवाएंगे। आपको न्यू वर्ड्स घर से लिख के लाने हैं।